ओके सो गाइस आई एम फाइनली बैक। आप लोग को पता है कि मेरे को फीवर था, वैसे अभी भी फीवर है मेरे को 102। जस्ट ये वाली वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैंने एमवे बंटाई का रिकॉर्ड किया, जो अभी उसका लास्ट वाला गाना है ना, रोलर कोस्टर वाला, तो उससे मैंने अपना पूरा एक्सप्लेनेशन किया कि क्यों नहीं आया भाई। अभी देखो अभी भी फीवर है, आवाज़ अगर मेरी थोड़ी चेंज लग रही है तो माफ कर देना। एनीवेज एमसी स्टैन का नया गाना आ चुका है, मेरी जिंदगी रैप से पनदीप है, पता नहीं क्या है, मेरे को समझ नहीं आया क्या है। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये एल्बम है, तो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि बहुत टाइम बाद आया है एमसी स्टैन। एंड बिग बॉस जब से ख़त्म हुआ है भाई, थोड़ा स्लो पेस्ट में चल रहा है, मुझे ये नहीं पता वो क्यों चल रहा है। लेकिन जब आयशा स्पीड के साथ इसका लाइव स्ट्रीम था तो भाई बहुत ट्रॉल किया गया था, बिकॉज वो कुछ था ना, दोनों साइफर कर रहे थे और फ्री फ्लो कर रहे थे, तो आयशा स्पीड ने भी रैप किया था और इसने भी किया था उसके बाद थोड़ा ट्रॉलिंग हुआ था एमसी स्टैन का। बट एनीवेज यार, आपको फिर भी पता है कि एमसी स्टैन की फैन फॉलोइंग और कट्टरपंथी फैन इतने ज़्यादा है कि बंटाई को अभी तक 5-6 लाख में व्यूज़ आए होंगे विद इन अ डे, और इसको 1.1 मिलियन आ गए भाई। तो देखो ये भाई थोड़ा स्ट्रॉन्ग तो है बंदे की फैन फॉलोइंग। एनीवेज चलो यार फटाफट से ये गाना सुनते हैं और बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। डिस्क्लेमर गाइस, अगर आप लोग को कोई भी इंटरप्शन नहीं चाहिए वीडियो या गाने में, तो प्लीज ओरिजिनल चैनल पे जाके पहले वीडियो या गाना सुनिए, क्योंकि ये वाली वीडियो में मैं बीच बीच में रोक के अपनी कमेंट्री करने वाला हूँ। आई लव यू है भाई, ये जब से बिग बॉस में गया है ना एमसी स्टैन, सल्लू भाई का मतलब पूरे रंग में घुल गया भाई। आई लव यू ऑल वही था ना, ओ जाने जाने वाला गाने में था। रशियन कहां से आ गई भाई? ओके मेरी जिंदगी रैप से पन, ये रैप भी कुछ नहीं, मेरी जिंदगी इससे डीप पे छूते, ये रैप भी कुछ नहीं ना से। आई साउंड टैग मित्र मंडल हिंदी मैं कर डालता विषय, मेरी जिंदगी रैप से पन डीप पे मैं कर डालता विषय, मेरी जिंदगी रैप से पन डीप पे मैं कर डालता विषय, मेरी जिंदगी रैप से पन डीप पे मैं कर डालता विषय। Bro, what? थोड़ा एक्सप्लिसिट तो डाल देते हैं भाई टाइटल में, ये क्या है भाई, रुको। ओह माय गॉड, ओके ऑल राइट, आई एम नॉट अ क्रीप, मेरे को दिखा तो अब जवान खून है तो भाई उगेगा ही ना। ए तू नीचे बैठ। मैं फ्लेक्स नहीं करता, नहीं तो कौन ना कौन मर जाएगा, झाड़ भर का बैग दिख रहा ना इसमें तेरा घर जाएगा। अबे ये लाइन मेरे को मस्त लगा भाई, झाड़ भर का घर है उसमें तेरा घर जाएगा। ये वापस सुनूंगा भाई रुको। फ्लेक्स नहीं करता, नहीं तो कौन ना कौन मर जाएगा, झाड़ भर का बैग दिख रहा ना इसमें तेरा घर जाएगा। मेरे खिलाफ मेरे लोगों को तू भड़काएगा, गफलत में मिल गया तो कुत्ते जैसा मार खाएगा, मैं तेरे मुंह के तेरा वीडियो वायरल करूंगा। ये किसको बोल रहा है भाई, मुंह में तेरा मूत के तेरा वीडियो वायरल, ये किसको शॉर्ट्स दे रहा है ब्रो? ही इज गिविंग शॉर्ट्स टू समवन, अब मुझे ये नहीं पता। और हाँ एक और चीज मेरे को बोलनी थी, अभी इंस्टाग्राम रील में पता नहीं मेरे को एक रैंडम रैपर दिखा और एक रील मैंने उसकी देखी, अब उसकी इतनी रील्स देख ली है मैंने, आई एम लाइक ओ माई गॉड वो इतना क्यों फेमस नहीं हो रहा है। रैपर का नाम है वन आईड रैपर करके कुछ है ऐसा कुछ है भाई, क्या वो रैपर हो भाई। और कमेंट में वही है कि दिस गाय कैन ईट 10 एमसी स्टैंड्स इन ब्रेकफास्ट, ऐसा करके कुछ था वो रैपर, जिन लोगों को पता है तो उन लोगों को पता है, लेकिन वो खतरनाक रैपर है भाई। गफलत में मिल गया तो कुत्ते जैसा मार खाएगा, मैं तेरे मुंह के तेरा वीडियो वायरल करूंगा, ऑप्स की गांड मारने के बाद एल्बम ड्रॉप करूंगा, उसके बारे में पढ़ के एल्बम। ओके ओके आई एम रेडी फॉर इट, आई एम रेडी फॉर, अब देखते हैं कितने गाने होंगे इस एल्बम में। ठीक है तेरा वीडियो वायरल करूंगा, ऑप्स की गांड मारने के बाद एल्बम ड्रॉप करूंगा, उसके बारे में पढ़ के मैं बन गया था कबीर से, मजबूरी में फिर मेरे को पढ़ना पड़ा रहने से। शट द फक अप स्टैन, आई रो आई ऑल माय
ऑल माय फ्रेंड्स आर डेड, मतलब जो भी तीन चार साल पहले एक दो साल पहले जितने भी गानों पे रिएक्शन किया था इसके फ्रेंड्स के साथ, सब गए, सब दोस्ती खत्म। ओ बंदर जा रहा ऊपर। भाई वो पिंक वाली बहुत सुंदर थी भाई, कहाँ से पकड़े हो मॉडल। फेस देखो भाई, बहुत क्यूट फेस है। वाओ भाई वाओ वाओ वाओ। वर्स बहुत कम थे यार, हुक ज्यादा था ना, मुझे वर्स बहुत कम लगे यार। ओके अरे भाई, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ बैंगर, आई वोंट से दिस वॉज अ बैंगर, ठीक है वर्स में कुछ कुछ लाइंस थी जो मेरे को लगा कि ओके वो घर जाएगा वाला सही लगा, बाकी हुक ज्यादा था और वर्स तो था ही नहीं भाई। मे बी हो सकता है कि एल्बम अनाउंसमेंट के लिए गाना सिर्फ ड्रॉप कर दिया एंड उसके बाद एल्बम में हो सकता है पॉसिबली गाने अच्छे सुनने को मिले, बट ये गाना आई एम सॉरी बट बुरा मत मानना एमसी स्टैन के फैंस, कट्टर फैंस हो मुझे पता है, और आप अगर मेरे को एक दो साल से जानते हो तो आपको ये भी पता है कि मैं कैसे पागलों की तरह नाचा उसके गानों में। एंड स्टार्टिंग में जब मेरे 1 या 2 हज़ार सब्सक्राइबर थे तो इस बंदे की वजह से मेरा चैनल पुश हुआ था, ग्रो हुआ था, तो आई विल बी ऑलवेज ऑब्लाइज्ड टू एमसी स्टैन एंड हिज फैंस। लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगा भाई इस गाने के लिए, मैं एक बढ़िया चीज लेके आता हूं, ठीक है आप लोग समझ जाओगे कि क्या दिक्कत हुई है, मैं आपको बताता हूं, रुको। ओके आई एम बैक गाइज, आई गॉट समथिंग, आई गॉट दिस। ये क्या गाना था भाई, ये वही बंदा है ना जिसने अस्तगफिरुल्लाह आमीन तड़ीपार जैसी एल्बम्स निकाली है भाई। ब्रो व्हाट, आई नीड टू चेक वन मोर थिंग, एक सेकेंड गाइज रुक जाओ, इसके चैनल पे जा रहा हूँ, एक और चीज देख रहा हूँ, इसके साथ अभी एक काम चीज बचा है, एक सेकेंड रुक जाओ। तो ये गाना इस बंदे ने 4 महीने के बाद निकाला है, 4 months इज अ बिग डील, उससे पहले 6 महीना पहले, मतलब लिटरली भाई ये साल बहुत कम गाने आए हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आत्वर्ती आया है, फिर रिग्रेट जो पुराना था इंसान ने उनका वही ड्रॉप किया है भाई, 4 महीने के बाद ये गाना। आई नो कि एल्बम इज कमिंग एंड आई एम स्टिल सेइंग कि बहुत अच्छे अच्छे गाने हो सकते हैं उसमें, होंगे भी, बिकॉज स्टैनी एज अ रैपर एज एन आर्टिस्ट ही इज अमेजिंग, बट अब सिर्फ मैं यही गाना जज करने के लिए बैठा हूँ और ये मेरा ओपिनियन है, आपका अलग हो सकता है, मेरा ओपिनियन कोई फैक्ट्स नहीं है, मे बी मैं आप लोग के लिए गलत हूँगा बट भाई ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भाई मुझे अपने कान में हारपिक डालना पड़े, ऐसा ढक्कन बंद है क्योंकि असली में थोड़ी ना मर जाऊँगा भाई इसके लिए, और व्हाटएवर इट इज, तो कान से मैं ज़रा अपने कान साफ कर लेता हूँ, अपना वॉश आउट कर देता हूँ, बिकॉज ये पता नहीं मैंने क्या सुना भाई, आई डोंट नो Oh my god, what is this भाई? MC Stan, I'm disappointed. Verses कम थे, हुक ज़्यादा था, रशियन को नचा दिया, आधे कपड़े खोल के प्रॉपर सेमी पॉन बना दिया, क्या है ये भाई? और वही डायलॉग सुना हुआ, तेरा घर जाएगा, भाई क्या है ब्रो? I am very disappointed, but again, I am definitely sure, क्योंकि भाई बंदे ने जो this type के track drop कर रखे हैं, I really miss that Stan bro. एक साल पहले इंसान एल्बम तक का जो स्टैन है, जब से भी उसका करियर शुरुआत हुआ है इंसान एल्बम तक, चुम्मेश्वरी एमसी स्टैन, बट अभी पता नहीं ये क्या है, चलो अब देखते हैं भाई आने वाले गाने में पता चली जाएगा एल्बम में कि क्या क्या उसने ड्रॉप किया है, वट एवर इट इज, माफ कर देना अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो, ध्यान से कॉमेंट सेक्शन भी चेक कर लेना, मैंने अभी चेक किया कॉमेंट सेक्शन, तो बहुत लोग का ये खुद का ओपिनियन है, मेरा पर्सनल नहीं है, खुद एमसी स्टैन भी डिसअपॉइंटेड है, अकेला मैं नहीं हूँ,
बट ठीक है, फिंगर्स क्रॉस्ड एल्बम में और अच्छे गाने आएंगे एंड आने भी चाहिए भाई। सो गाइस, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मैं कम स्टार्स दे रहा हूँ पांच में से, वरना ऑलमोस्ट चार या पांच स्टार्स तो मैं देता ही हूँ, बट इस वाले गाने को, गाना बोल रहा हूँ मैं, एल्बम नहीं, का एल्बम अभी तक आई नहीं है, आई एम सॉरी, दिल तोड़ रहा हूँ, लेकिन ओपिनियन सही रखना पड़ेगा। इस गाने को मैं सिर्फ 3 स्टार्स दूंगा भाई, 5 में से 3 स्टार्स भी ज़्यादा दे रहा हूँ, 2.5 देना चाहिए, बट चलो ठीक है, थोड़ा डर भी लगता है मेरे को, तो 3 दे रहा हूँ भाई, 2 स्टार्स कट कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत ही एवरेज गाना था भाई, मेरे को करता मैं विषय के अलावा और कुछ सुनाई नहीं दिया, घर जाएगा सुनाई दिया और रशिया का पिछवाड़ा और अगवाड़ा और ऊपर वाड़ा दिखाई दिया और मुझे और कुछ नहीं समझा मेरे को। अगेन दिस इज नॉट फैक्ट्स, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, आई माइट बी रॉन्ग, बट जेन्युइन और ओरिजिनल रिएक्शन देना का मेरा काम है, तो ही मेरा चैनल ग्रो हो रहा है, आप प्यार भी करते हो, अच्छा होगा तो अच्छा भी बोलता हूँ, चाहे वो कोई भी आर्टिस्ट हो। एनीवेज, अपना ओपिनियन मुझे प्लीज़ कमेंट में बता देना, अगेन आई एम सॉरी, कान पकड़ रहा हूँ, कोई गाली नहीं देगा, पर्सनल ओपिनियन है। तो आई गेस दैट्स फॉर टुडे गाइस, मैं हूँ आपका वनएबी स्टार किड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जल्दी मिलता हूँ मैं आपको, बाय बाय।